और ये हैं दोस्तों हम ब्यासी के नज़दीक, और ये देखिए क्या खूबसूरत नया पुल बना हुआ है अभी, और यहाँ पे हम रुके हुए हैं। ये देखिए गाड़ियाँ, बहुत ही शानदार व्यू है। मैंने कहा ये एरिया में आपको दिखाता हुआ चला जाऊँ। सामने बना हुआ है झूला पुल, उस साइड जाने, और उधर लोकेशन देखिए सामने कितनी प्यारी लोकेशन है, बहुत ही प्यारी। और चलिए झूला पुल पे चलते हैं थोड़ा। और ये सामने देखिए कितनी हाइट लिया हुआ पहाड़, ये इसकी खूबसूरती पे चार चांद लगा रहा है। ये देखिए ये बात, बहुत प्यारी जगह है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है, बहुत ही शानदार रेत का ढेर लग रहा है। जब भी दोस्तों आप यहाँ आए आगे पौड़ी या केदारनाथ बद्रीनाथ, तो यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ शिवपुरी से आगे निकलते हुए हम जो है ऋषिकेश होते हुए गए कान्हाताल। कान्हाताल बहुत ही ठंडी जगह है दोस्तों, ठंडी बोले तो उत्तराखंड का कश्मीर, माना कि ये कश्मीर नहीं है लेकिन कश्मीर से कम भी नहीं है। इसकी खूबसूरती क्या, पूरे चारों तरफ हरियाली और सामने बने हुए बड़े बड़े होटल, कई होटल हैं दोस्तों यहाँ पे ठहरने के लिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा और फाइव स्टार लेवल के कई होटल हैं। तो जो जिनके पास पैसा है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ से बहुत टूरिस्ट यहाँ पे रहने को आते हैं, और ठंड के मामले में आपका एसी भी यहाँ पे फेल है। दोस्तों मेरे साथ एक ट्रेजडी हो गई थी, जिस मोबाइल से मैं ये फ़ोटो शूट कर रहा था या आप तक ये फ़ोटो भेज रहा था, ये मेरे ट्राइपॉड से गिर के मेरा मोबाइल टूट गया था। आगे की जितनी भी वीडियो मैं भेज रहा हूँ, जैसे सारी मेरे वाइफ की मोबाइल के कैमरे की हैं, तो इसलिए थोड़ा मूड भी अपसेट हो गया था, लेकिन यहाँ की छटा देख के मैं उतना बुरा भी महसूस नहीं कर रहा था। यहाँ पर लोगों ने टूरिस्टों को रिझाने के लिए अपने खेतों में या गदेरों में, बोल सकते हैं आप, ऐसी पगडंडियाँ बनाई हुई हैं जिस पर टूरिस्ट चलने के लिए पर बस अपने को आकर्षित करता है। ये देखिए नीचे जो आपके डंडे से दिख रहे हैं, इनमें चलने के लिए, कई जगह पे साइकिलिंग है, रस्सी पे साइकिलिंग करने के लिए, तो अपने लिए रोज़गार का एक माध्यम बना रखा है यहाँ के निवासियों ने, लोकल लोगों ने, बहुत ही शानदार। और जितने भी यात्री हैं खिंचे चले आते हैं इन चीज़ों की ओर, क्योंकि नेचुरली दोस्तों यहाँ आदमी मजबूर हो जाता है रुकने के लिए। क्या लंबे लंबे पेड़ और इतनी ठंडक, इतनी ठंडक मैं बता नहीं सकता। और सुरकंडा देवी के मंदिर में जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक पैदल का और एक है ट्रॉली के माध्यम से, आप किसी भी माध्यम से जा सकते हो। कान्हाताल से आगे कद्दूखाल पड़ता है, कान्हाताल से मुश्किल से 10-12 किलोमीटर की रेंज पे बना है ये मंदिर, बहुत ही सुंदर आकर्षक। लेकिन मेरा कुछ मूड सही नहीं था दोस्तों, तो मैं पिक्चर भी ज़्यादा नहीं ले पाया, तो कुछ फ़ोटोओं के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। बहुत ही शानदार दृश्य, और ठंड का मौसम से आप महसूस कर सकते हैं कि नीचे कोहरा, ये जिसे आप कह सकते हो कि धुंध, एकदम बादलों की भांति पहाड़ों से भी नीचे तक